आलस। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इंसान को अपने पैसे से बहुत दूर कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाने के कारण मोनेटाइज भी नहीं हो रहा चैनल। खैर छोड़ो, स्वागत है एनिमे फैंस, आज मैं लेकर आया हूँ डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। एपिसोड 8 एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें सिर्फ मुइचिरो का पास दिखाया है, और आप जानते हैं कि मैं उसे सिर्फ डेमन स्लेयर कैरेक्टर्स की लाइफ वीडियोस में ही एक्सप्लेन करता हूं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। रीकैप, मुइचिरो को तेत्सुओ की मदद से वाटर प्रिज़न पॉट से एस्केप कर जाता है और सभी बच्चे फिश डेमन्स को मारकर हानेजोगा को बचाने जाता है। प्रेजेंट, मुइचिरो को ग्योको पर अटैक करने लगा, लेकिन ग्योको उससे बचकर ऑक्टोपस फ्लैश से अटैक करता है जिससे वो पूरी वर्कशॉप टूट जाती है, लेकिन मुइचिरो हानेजोगा को बचा लेता है। हानेजोगा फिर अपना पॉलिशिंग स्टोन उठाकर वापस उस स्वॉर्ड को पॉलिश करने लगा। मुइचिरो को फिर उसकी सारी मेमोरीज वापस मिल जाती है और वो अपने भाई को याद करके तांजिरो जैसे ही एक मार्ग को अवेक कर लेते। ग्योको उस पर 10,000 फिश के लिए यूज करते, लेकिन मुइचिरो अपनी बड़ी हुई स्पीड की मदद से उन सबको काट देते। ग्योको फिर याद करता है कि मुजान ने बताया था कि सालों पहले एक ऐसा ही आदमी आया था जिसके पास सेम मार्क, और अभी भी उस इयररिंग वाले बच्चे के पास ये मार्क। और फिर मुइचिरो ग्योको को सर काटने के लिए जाता है और काट भी देता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में वो ग्योको की शेडेड स्किन है। ग्योको उसे पेड़ पर चढ़कर बताता है कि वो तीसरा इंसान है जिसने उसका ये फॉर्म देखा है, और फुल पावर मुइचिरो पर अटैक करता है, लेकिन मुइचिरो उससे भी बचकर ग्योको पर सेवंथ फॉर्म ऑब्स्क्यूरिंग क्लाउड यूज करता है जिससे उसका सर कट जाता है। ग्योको मुइचिरो पर बहुत गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो अभी भी 14 साल का बच्चा है, फिर भी वो ग्योको कैसे मार सकता है। लेकिन मुइचिरो को ज्यादा सुनना नहीं था, इसलिए वो ग्योको का सर और छोटे छोटे पीस में काट देता है जिससे ग्योको जल्दी मर जाता है। लेकिन मुइचिरो फिर पॉइजन से बेहोश हो जाता है। कानामोरी और कोदेत्सु आकर उसे संभालते हैं। उसी तरफ ताकुहातेन तांजिरो पर अपने वुड ड्रैगन से अटैक कर रहा था। उसने नेजुको और गेन्या को भी पकड़ रखा था जिसकी वजह से तांजिरो पूरी तरह से अकेला था। तब ताकुहातेन तांजिरो पर उरोगी और सेकिडो के हमले करने लगता है जिससे तांजिरो और भी कमजोर पड़ने लगा। तभी एक ड्रैगन ने तांजिरो को निगल लिया, उसे अंदर से दबाने लगा। तभी वहां आ जाती है लव आशिरा मित्सुई और सभी ड्रैगन को काट के तांजिरो को बचा लेती है, और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।